राजनेताओं का भविष्य जनादेश तय करता है, न कि कोई महाज्योतिषी। यह कहना है हमीरपुर जिला भाजपा की मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा का। उन्होंने कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश की माफिया संचालित भ्रष्ट कांग्रेस सरकार से जनता त्रस्त है। लगभग दो वर्ष पहले जनता ने जो राजेंद्र राणा का भविष्य तय किया था, उसको राजेंद्र राणा भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव और सुजानपुर उपचुनाव में मिली दोहरी हार के सदमे से राजेंद्र राणा अभी तक उबर नहीं पाए हैं, इसलिए भाजपा नेताओं के विरुद्ध अनाप शनाप बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेता आए दिन नोटबंदी के ऊपर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा उनसे पूछना चाहती है, बैंकों में पैसे निकालने के लिए खड़े लोगों की लाइनें तो उनको दिखती ही हैं, परंतु प्रदेश की बेहाल बदहाल जनता जो नौकरी पाने के लिए लाइनों में खड़ी है, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए लाइनों में खड़ी है, बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए युवा जो लाइनों में खड़े हैं, वो कांग्रेस को नहीं दिखाई देता। प्रदेश की सत्ता पर चार वर्ष पहले कांग्रेस के नेता प्रदेश की भोली वाली जनता को झूठ बोलकर धोखे से सत्ता पे काबिज हुए थे, किंतु कांग्रेस के नेता राजेंद्र राणा जी को ऐसा नहीं लगता। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि चार वर्ष पहले राजेंद्र राणा जी ने निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ा था और उनका चुनावी एजेंडा कांग्रेस के चुनावी एजेंडे से बिल्कुल भिन्न था। तो उन्हें पता नहीं है कांग्रेस ने अपने चुनावी एजेंडे में प्रदेश की भोली वाली जनता के साथ क्या चुनावी वायदे किए थे, जिनको प्रदेश की सरकार अब भूल गई है, सत्ता के मजे लूट रही है। प्रदेश सरकार के मुखिया इन चार वर्षों में अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के इल्जामों से बचने के नए नए तरीके आए दिन ढूंढते रहते हैं, और प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के हारे नकारे नेताओं को बोर्डों निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाकर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई उन पे लुटा रही है। भाजपा के ऊपर अनाप शनाप बयानबाजी में करने में लगे रहते हैं। भाजपा के मानना है दो वर्ष पूर्व लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में मिली दोहरी हार के सदमे से राजेंद्र राणा जी अभी तक उबर नहीं पाए हैं, इसलिए वो आए दिन भाजपा नेताओं के विरुद्ध अनाप शनाप बयानबाजी करने में लगे रहते हैं।